हेलो दोस्तों, मैं हूँ गुड्डू और आप देख रहे हो ट्रिकी एंटरटेनमेंट। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अगर ड्रीम इलेवन फैंटेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हो और आपकी टीम उस पर अच्छे परफॉर्मेंस नहीं कर रही है, तो आप किस तरह से इससे पैसे बना सकते हो, किस तरह से आप अपनी टीम को अच्छा परफॉर्मेंस करा सकते हो और ये किस तरह से आप अपनी टीम को सिलेक्शन करोगे। ये सबसे बड़ा ये पॉइंट रहता है कि अगर आप ड्रीम इलेवन फैंटेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हो तो आपकी टीम अच्छी होनी चाहिए। तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको, इसके लिए आप ये ड्रीम इलेवन ऐप खोलें और ठीक है, यहाँ पर देखें बहुत सारी लीग चल रही है। मैंने यहाँ पर दो लीग ज्वाइन की हुई है पहले से ही, वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान का जो मैच होने वाला है और ये साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में भी दो लीग मैंने ज्वाइन की है। यहाँ पर देख सकते हो कि मेरी टीम ने ये पिछले HT और BEL कर्नाटक ट्रॉफी में 756 पॉइंट की थी, मुझे 50 रुपीज़ इसमें मिला था और इसमें भी मुझे वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान का प्रीवियस मैच जो था ये देख सकते हो आप, इसमें भी मुझे पैसे मिले हैं। इसमें टॉप 3000 विनर्स को प्राइज़ मिलने वाला था तो मुझको इसमें पैसे मिले हैं। मेरी टीम ने स्कोर किए है 1903 ठीक है, और ये टीम बांग्लादेश अफगानिस्तान में मेरी टीम खासा परफॉर्म नहीं कर पाई, इसमें मुझे कुछ नहीं मिला। कोई बात नहीं, और भी है मैच जिसमें मुझको पैसे मिले हैं, मैंने रैंक किया है, अच्छे रैंक मिला है, जिसका रीज़न है सबसे पहले आप देखो कौन कौन सा मैच होने वाला है। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान का मैच होने वाला है, तो इसमें माय टीम में आप टीम सिलेक्शन जो करते हो इसमें सबसे ज़रूरी बात है कि आप अपने टीम को किस तरह से सिलेक्शन कर रहे हो। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इतना बैलेंस तो है नहीं, मैं प्रीव्यू दिखाता हूँ आपको। ये मेरी टीम है, मैंने इस तरह से अपनी टीम को सिलेक्ट किया है। आप भी करोगे कैसे करोगे ये मैं अभी बता रहा हूँ आपको। मान लो कि मैंने ये जी ज्वाइन की रीज्वाइन हो, यहाँ मैंने क्रिएट टीम पे क्लिक किया, यहाँ पर क्रिएट टीम में आप जाओगे तो आपको देखोगे ऑप्शन मिल रहा है विकेट कीपर चुनने का, यहाँ पर विकेट W के लिखा हुआ है। देखो आपको यहाँ पर विकेट कीपर चुनने का ऑप्शन मिल रहा है, तो विकेट कीपर में यहाँ पर है दो प्लेयर, दिनेश रामदीन और सरफराज अहमद। आप एक ऐप डाउनलोड करो सबसे पहले, इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ होम की दबाकर। ये जो ऐप है देखो आप creekbuzz.com, आप जानते हो इसके बारे में, इसको आपको डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से जाकर ठीक है। आप इसमें आपको डाउनलोड करके इसको ओपन करो उसको, और आप जो ड्रीम इलेवन आपकी ऐप है उसको ओपन ही रहने दो। यहाँ पर देखो रिसेंट रिज़ल्ट, यहाँ पर आप तीन लाइन जो है यहाँ पर देख सकते हो, उसको क्लिक करो, यहाँ पर रिसेंट रिज़ल्ट आ जाएगा, रिसेंट रिज़ल्ट में क्लिक करो आप ठीक है। यहाँ पर इंटरनेशनल मैच कौन सा मैच अभी फ़िलहाल हुआ है, यहाँ पर देखो आप वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान की मेरी सीरीज़ थी तो वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान का मैंने यहाँ पर ओपन किया है। यहाँ पर देखो पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़, ये जो है इसमें देखो आपकी कौन सी टीम और कौन सा प्लेयर परफॉर्म अच्छा कर रहा है। सबसे पहली बात है कि आप जो 11 टीम अपने क्रिएट करते हो, अपने टीम में 11 प्लेयर्स रखते हो, तो उसमें आपके 11 प्लेयर खेलने चाहिए। अगर ऐसा भी होता है कि आपने अच्छे अच्छे प्लेयर चुन के अपने टीम बना ली पर आप 11 प्लेयर वहाँ पर नहीं खेल रहे हैं, तो जो प्लेयर नहीं खेल रहा उसके लिए आपको 0 पॉइंट हो जाते हैं। तो अगर आपको दो प्लेयर नहीं खेल रहा है तो 11 बंदे 9 की टीम हो गई आपकी। तो सबसे बड़ा बात है कि ये चीज़ कंफर्म करो कि जो आप टीम सिलेक्शन कर रहे हो उसमें 11 प्लेयर प्ले करें। जैसे कि देखो ये वेस्ट इंडीज़ और साउथ वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान का मैच था, तो इसमें पाकिस्तान 59 रन से विनर हुआ है, तो ये मैं खोलता हूँ इसको और इसमें देखता हूँ कि कौन सा यहाँ पर स्कोर बोर्ड पर यहाँ पर पाकिस्तान की पहले देख लेता हूँ। अजहर अली है, शर्जील खान है, बाबा आजम है, बाबर आजम ने 123 रन किया। तो मैं पहले विकेट कीपर मुझे चुनना है तो मैं विकेट कीपर चुन लेता हूँ। सरफराज अहमद 60 रन की यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ पर दिनेश रामदीन है जिसने 34 रन किया है, और मैं यहाँ पर और भी आप देख सकते हैं कौन कौन सा अगली मैच में, ये तो पहले मैच था जिसमें पाकिस्तान 59 रन से विनर हुआ था, ये दूसरी मैच है इसको देखता हूँ इसमें कौन सा दिन कौन सा प्लेयर अच्छा विकेट कीपर अच्छा बैट्समैन कर। यहाँ पर सरफराज अहमद है विकेट कीपर 35 रन और दिनेश रामदीन 8 रन, तो मुझे लगता है सरफराज अहमद को ही चुनना अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर आप फिर से क्लिक करिए, यहाँ पर सरफराज अहमद को चुन लीजिए। उसके बाद बैट्समैन में देखिए, बैट्समैन में आप देख लो कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर आप पाकिस्तान में देखो, यहाँ पर दिखा रहा है शर्जील खान 54, बाबा आजम 120
ठीक है। और ये तो सेकंड मैच है, ये पहली मैच में देखता हूँ मैं किसने कितना स्कोर किया है। यहाँ पर सचिन खान 24, बाबा आजम 123 और शोएब मलिक 19 और सरफराज अहमद 60। तो सरफराज अहमद को तो हमने चुन लिया है। अब इसमें मुझको लगता है बाबा आजम को चुनना अच्छा रहेगा, तो फर्स्ट बैट्समैन मैं चुनता हूँ बाबा आजम। ओके, उसके बाद मैं देखता हूँ कि और कौन सा प्लेयर है। मैं वेस्ट इंडीज़ में भी देख लेता हूँ, यहाँ भी इस तरह ड्रेन ब्रैवो ने 61 किया है, मार्सन सैमुअल्स ने 57 किया है, तो ये दो बैट्समैन इसके लिए ठीक रहेंगे। और भी देख लेता हूँ इसमें पिछले मैच का क्या रिकॉर्ड रहा है। इसमें मैं देखता हूँ यहाँ पर बाबा आजम ने 27, खालिद लतीफ़ को आप ना ही चुने क्योंकि ये अभी शायद नहीं खेलेगा वो। शर्जील खान यहाँ पर 11, शोएब मलिक 43। अच्छा ओके, और इस मैच में मैं देखता हूँ इस मैच में किसने कितना स्कोर किया है। बाबा आजम 123, शर्जील खान 24 और शोएब मलिक 90। ओके, तो मैं बाबा आजम और शर्जील खान को यहाँ पर मुझको इनका परफॉर्मेंस अच्छा लग रहा है, शायद अगली मैच में भी स्कोर करें, तो इन दो प्लेयर को पाकिस्तान से सेलेक्ट करता हूँ। बाबा आजम को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और शर्जील खान, और ड्रेन ब्रैवो को हमने देखा था अच्छा परफॉर्मेंस थी, और सैमुअल से है उसको भी मैंने चुन लिया, और शर्जील खान यहाँ पर मेरे 5 बैट विकेट हो गए। ऑलराउंडर में शोएब मलिक ने अच्छा परफॉर्म किया था, तो शोएब मलिक मैं चुन लेता हूँ। और मोहम्मद नवाज़ की यहाँ पर देख ले, मोहम्मद नवाज़ भी एक अच्छा बॉलिंग और बैटिंग में भी अच्छी उसने की थी, आप वेस्ट इंडीज़ से चुने। तर शोएब मलिक, मोहम्मद नवाज़ 79, 2 विकेट लिया इसने। यहाँ पर वाहिद रियाज को आप चुन सकते हो, इसमें तो असीम अच्छा प्लेयर इसमें के था। और बॉलर में आप देखो कौन कौन सा प्लेयर है, मोहम्मद आमिर था एक, और सोहेल खान, सुलेमान बेन, वाहिब रियाज, ठीक है। हमारी टीम और दो प्लेयर को चुनना है मुझे, तो सुलेमान बेन को मैं चुन लेता हूँ, सुनील नारायण को चुन लेता हूँ, ठीक है। इस तरह से मैंने इस कंफर्म कर लीजिए कि इसमें किस प्लेयर का कंस्टेंटली वो हर एक मैच में खेल रहा है और वो अच्छी तरह से हर मैच में खेल रहा है और अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है, ताकि आपकी जो टीम हो उसमें भी वो अच्छा परफॉर्म करें, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आप इसको सेव कर लो यहाँ पर, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको कैप्टन चुनना है, तो कैप्टन आप वही चुने जो सबसे बेहतरीन आपको लगे कि परफॉर्मेंस दे सकता है। तो मुझको तो लगता है कि बाबा आजम सही रहेगा क्योंकि इसने बहुत अच्छी परफॉर्म की, तो मैंने कैप्टन बाबा आजम को चुना। बाबा आजम को कैप्टन चुनने का ये कारण ये है कि जो कैप्टन स्कोर करता है वो इंटू टू हो जाता है, यानी टू में यहाँ पर देखिए लिखा भी होगा, देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, कैप्टन में योर कैप्टन गेन 2x पॉइंट्स, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपकी कैप्टन ने जो पॉइंट की है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से, यानी कि आपके प्लेयर अगर कैप्टन जो है अगर 100 पॉइंट करता है तो आपकी स्कोर हो जाएगी 200 पॉइंट्स। तो आप कैप्टन ऐसा चुने जो अच्छा स्कोर करे आपके हिसाब से, आपको लगे कि वो अच्छा स्कोर कर सकता है इस मैच में। तो मैं यहाँ पर बाबा आजम को कैप्टन चुनता हूँ, और वाइस कैप्टन आप अच्छा रहता है कि आप वाइस कैप्टन में ऐसे प्लेयर को चुने जो ऑलराउंडर हो, चाहे कि वो बॉलिंग या बैटिंग दोनों में अच्छा कर सके। तो शोएब मलिक एक यहाँ पर अच्छा सा रहेगा, अहमद वसीम भी रहेगा, और ये सरफराज अहमद भी रहेगा। तो इस तरह से अपना टीम को सिलेक्ट करिए और ये ज्वाइन करिए। ओके, तो आपको इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपकी टीम कंटिन्यूटली अच्छा परफॉर्म करेगी और आपको कुछ ना कुछ प्राइज़ तो दिला के रहेगी। अगर आप न्यू हैं तो आप ऐसे मैच चुनिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर अगर टीम्स को सबसे ज़्यादा टीम्स अधिक से ज़्यादा टीम को अगर प्राइज़ दिया जा रहा है, जैसे कि बहुत सारे लीग हैं जिसमें कि आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं आपको लीग दिखाता हूँ जिसमें 1 लाख का या 2 लाख का है, यहाँ 50 रुपीज़ एंट्री है, जिसमें 3,000 विनर्स को प्राइज़ मिल रहा है। तो आप ये एक अच्छा होगा, इसे ज्वाइन करिए। आप ये सब मत ज्वाइन करिए जैसे कि ये 1150 का ये है जिसमें 2 विनर से 10 टीम है, तो इसमें आप नहीं हारने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये सब टीम जो है जिसमें 3,000 टॉपर्स को मिल रहा है प्राइज़, तो ये चीज़ चुनिए, तो इसमें आप बिलो 3,000 आ ही जाओगे, और आपको नहीं तो आपको एंट्री नहीं रिटर्न तो हो ही जाएगी, और थोड़ा अच्छा परफॉर्म करती है तो आपको इनकम भी हो जाएगी। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में लिखें, अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो उसको भी कमेंट में लिखें, मैं उसको सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब करें दोस्तों।